आज हम सीखेंगे मैथ्स की रिवीजन। आगे भी मैंने सिखाया था मैथ्स का रिवीजन करना, और आज भी हम मैथ्स के रिवीजन करेंगे, और आगे भी हमें अब मैथ्स की रिवीजन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब हमारा सिलेबस जो है खत्म हो चुका है 1 to 2 नंबर 20 का सॉरी। ओके, तो 1 to 20 नंबर तक हमारा ये सिलेबस खत्म हो गया, तो अब क्या करेंगे हम उसके रिवीजन एंड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपको भी घर पे बैठे मेरे साथ ये वीडियो देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सीखेंगे मैथ्स में हम मैथ्स और सीखेंगे मैथ एंड काउंट द नंबर। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैथ्स एंड काउंट द नंबर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। मैच करना है और उसको नंबर को काउंट करना है। पहले तो देखो यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें पिक्चर्स दिए हैं, ट्राइंगल है, फ्लावर्स है, सर्कल है, लीव्स है एंड छोटे छोटे डॉट्स है। ओके, तो 5 बॉक्स के अंदर हमें ये दिया है जो पिक्चर्स, और उसके सामने हमें जो दिया है नंबर, तो नंबर को पहले हम काउंट करेंगे और सही नंबर के साथ उसको हम यहाँ पे मैच करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि कैसे करना है, तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 11, 12, 13, 14, 15, 16. How many triangles in this box? There are 16. So, इनमें से 16 नंबर कहाँ पे है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये रहा 17, then 19, then 16. तो this is right answer 16. ओके, तो इस डॉट के साथ इस डॉट को हम मैच करेंगे, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम काउंट करेंगे स्टार को। ओके, तो चलो काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. तो वेरी 17 नंबर यहाँ पे देखो, तो ये रहा देयर आर 17 नंबर। ओके, देयर इज 17 नंबर। पिक्चर के साथ नंबर को हमें मैच करना है। ओके, नेक्स्ट बॉल से बॉल को काउंट करना है और नंबर के साथ मैच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. तो हमारा सही आंसर क्या है? 1, 9, 19. तो हमें 19 नंबर को फाइंड करना है। तो वेरी This is 19 number. Okay, तो 19 number के साथ match हो गया। अब हम leaves को count करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
सब में ये आना चाहिए, डोंट मिस्टेक एंड डोंट रॉन्ग आंसर, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिखाया है वैसे आपको सीखना है, नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखते रहो, ओके। फिर गलती मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट अपने मम्मी पापा भी समझते नहीं है कि क्या करना है और बच्चों को क्या करना है, तो प्लीज आप लोग भी ये वीडियो देखो, चाहे बड़े भाई बहन हो वो भी देखो वीडियो, और मैंने आपको कैसे आपको वीडियो के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है वो देखो कि कैसे काउंट करना है, मैच करना है और उसको सही आंसर लिखना सिखाओ, ठीक है। तो क्या करोगे, अभी जितना मैंने सिखाया है उसका घर पे बैठे